मैं खुशी आज फिर एक सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। सवाल मुझसे पूछा गया कि शून्यता, विचार शून्यता से आप क्या समझती हैं, क्या होता है विचार शून्यता, और मुझे विचार शून्यता का अनुभव, जैसा कि सवाल जो पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि मुझे विचार शून्यता का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत दिन से ध्यान करता हूँ लेकिन मुझे विचार शून्यता अनुभव नहीं हो रही है, केवल नकारात्मक विचार मेरे ऊपर चलते रहते हैं। एक्चुअली ये नकारात्मक विचारों के चलने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, तो उस वीडियो में मैंने कहा कि अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार चलते हैं तो आप सकारात्मक विचारों की तरफ पहले मुड़िए। अब इस पे बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स के जरिए, फिर इनबॉक्स में बहुत ज्यादा मेरे साथ बहस की इस चीज को लेकर कि आप गलत चीजें क्यों लोगों को बता रही हैं, ध्यान से आपको विचार शून्यता की तरफ जाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि विचार शून्यता की तरफ जाएं तो आप एक विचार को छोड़ के फिर दूसरा विचार भर रही हैं, आखिर भर तो आप विचार ही रही हैं। तो ठीक है, एक विचार को छोड़ के मैं दूसरे विचार को भरने की बात कर रही हूं, लेकिन विचार की ही भरने की बात कर रही हूं, क्योंकि विचार शून्यता जो है वो एक्चुअली एक मिथ है। मैं जान रही हूं कि मेरी ये लाइन फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी, फिर मुझे बहुत बातें सुनने को मिलने वाली है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि विचार शून्यता को जिस तरह से हमने समझा है वो एक मिथ है। ये एक मिथ है कि दिमाग में कोई विचार एकदम चले ही ना, ऐसा नहीं होता है। किसी के भी साथ, बुद्धा के साथ भी ऐसा नहीं होता होगा कि कोई भी विचार ना चले, ये एक मिथ है। होता क्या है फिर, विचार शून्यता का क्या असली मतलब है? विचार शून्यता का असली मतलब ये है कि आप अपने विचारों के मालिक हो जाएं। एक होता है विचारों का चलना कि जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम नहीं चाहते कि नेगेटिव सोचना है फिर भी नेगेटिव विचार चल रहे हैं, हम नहीं सोचते फलाना किसी घटना के बारे में सोचना फिर भी वो चल रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली विचार चल रहे हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है, हम होशपूर्ण ही नहीं है ना? तो वो विचार उस तरह से नहीं चलना। विचार शून्यता का मतलब हुआ कि अब हम विचारों के मालिक हैं, अब हम वो सोचेंगे जो हम चाहते हैं, विचार अपने आप नहीं बेढंगे तरीके से हमारे दिमाग में चलेंगे। हम जो विचार करना चाहेंगे वो चलेंगे, जो विचार हम नहीं चाहेंगे उनको हम वो नहीं आएंगे। आप समझिए मैं क्या कह रही हूं। मान लीजिए कि मुझे प्यास लगती है, मैं विचार शून्यता की स्थिति में हूं, मैं सोच रही हूं कि मुझे प्यास लग रही है, मैं जाके पानी पी के आती हूं, मन में सोच रही हूं, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि मैं विचार शून्यता की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मेरे अंदर विचार चला? नहीं, ये विचार मैंने अपनी तरह से चलाया, ये विलिंगली चलाया, ये विचार शून्यता की ही स्थिति है। और जो विचार अपने आप आ रहे हैं हमारे दिमाग में जिसको हम नहीं चाहते, वो गलत स्थिति है। तो ध्यान में हम, ऐसा नहीं है कि ध्यान से हम एकदम सुन्न हो जाए, पागल नहीं हो जाएंगे, कोई विचार नहीं चलना कोई मतलब है इस चीज का? कोई विचार ना चलना ऐसे कैसे हो सकता है? दिमाग है और कोई भी विचार अगर चलेगा ही नहीं, कोई बुद्ध पुरुष भी होते हैं तो कुछ सोचते हैं, जब आप उनसे सवाल करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड फिर वो कुछ सोचते हैं कि इसका जवाब तैयार होता है, फिर वो बन के आता है, वो तैयार करते हैं जवाब को। जब हम ध्यान में भी बैठते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम हम कुछ नहीं सोचना चाहते, कोई विचार नहीं चलते, विचार शून्यता की स्थिति है। लेकिन विचार ही बिल्कुल नहीं चलेंगे कोई, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि हम जो चलाना चाहेंगे वो विचार चलेंगे और जो विचार नहीं चलाना चाहेंगे वो नहीं चलेंगे, हम विचारों के मालिक हुए, ये है विचार शून्यता। विचार शून्यता का मतलब दिमाग सुन्न हो गया, कुछ ना चलना, वो तो कोमा की स्थिति हो गई भाई, और शायद कोमा में भी कुछ ना कुछ चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम कैसे
बुध पुरुष इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बताते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं बिना दिमाग चलाए, बिना विचार किए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं कह रही हूं कि जब आपके अंदर नेगेटिव विचार चल रहे हो तो उनकी जगह पे आप पॉजिटिव विचार भरना शुरू कीजिए। नेगेटिव विचारों को कहिए यू आर नॉट वेलकम, और पॉजिटिव विचारों को भरने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको विचार शून्यता से दूर नहीं कर रही हूं, मैं आपको ये कह रही हूं कि पहले जो अंधेरा है उस पे एक दिया जलाओ, है ना, थोड़ी सी रोशनी आए, उसके बाद आप ये डिसाइड कर लो आगे आपको चाहिए कुछ सोचना है कि नहीं है। नहीं सोचना कोई बात नहीं, विचार शून्यता आ जाए। लेकिन आप नेगेटिव विचारों को एकदम से थाम पाओगे ये नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। आप एकदम से सोचोगे कि नेगेटिव विचार में एकदम से रोक लूं, कोई भी विचार ना चले, नहीं होगा। तो पहले हमको नेगेटिविटी को हमको पॉजिटिविटी से भरना होता है, ये मेरा अनुभव रहा है। क्योंकि मैंने भी ऐसा कोशिश किया कि डिप्रेशन के समय में कि एकदम सारे विचार रोक लूं, इससे और स्ट्रेस पैदा होता है दिमाग पर, क्योंकि हम ऐसा हो पाता नहीं है। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो मन बहुत घबराता है कि हम तो ऐसा चाहते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, फिर भी विचार हमारे रुक क्यों नहीं रहे। विचार नहीं रुकते हैं, हमको उनको मैनेज करना पड़ता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और फिर पॉजिटिव से अपने कमांड की तरफ, कि हमारे ऊपर हमारे विचारों का कमांड हो, इस तरह से हमको पढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट हम चाहेंगे कि हमारे विचार रुक जाए, तो मैं कह रही हूं कि ये एक मिथ है, विचार शून्यता एक मिथ है। अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्टली आप इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, अब आप मेरी बात पे विश्वास करें नहीं करें, आप स्वयं अनुभव करके देखिए, आप अनुभव करके देखिए। बिना अनुभव किसी को किसी चीज को सीधे क्रिटिसाइज करना कि आप ऐसा कैसे कह सकती है क्योंकि फलाने ने, चाहे वो ओशो हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे श्री शिव शंकर हो, ये बात कही है तो अब ये नहीं हो सकता। उन्होंने कही, आपने सुनी तो आपने मान ली, उन्होंने कही, मैंने सुनी, मैंने अनुभव किया और उसके बाद मुझे जो रिजल्ट आया मैं तब भूलती हूँ किसी बात को। मैंने ओशो को पढ़ा, सुना, समझा, कुछ चीजें नहीं बताई जा सकती, कैसे बता दी कोई शब्दों में। जब मैंने ओशो को जो जो चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें मुझे बाद में पता चलता है कि ये तो झूठ है, तो गलत है, लेकिन मैं उनको इस चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकती कि उन्होंने झूठ या गलत क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने बोला इतना ही बहुत है, क्योंकि वो बातें बताई ही नहीं जा सकती, नहीं बताई जा सकती, तो जो बोलते हैं वो गलत ही हो जाता है, क्या करेंगे। जो भीतरी अनुभव होते हैं ना कुछ, उनको कितना भी आप बाहर से कोशिश कर लो, मैं कितनी भी ग्रंथ लिख दूं कि गुड़ और चीनी के स्वाद के अंतर पर, लेकिन वो मैं नहीं समझा सकती शब्दों में, और वो समझाने की कोशिश उन लोगों ने की है तो वो गलत हो तो दोष नहीं दिया जा सकता। हम लोगों पर दोष है कि हम लोग जबरदस्ती उनसे वो चीजें उगलवाते हैं, पूछना चाहते हैं, क्या करेंगे, वो कुछ बताते हैं, वो एग्जैक्टली सही नहीं हो सकता। हमको अपने अनुभव से चीजें तोलनी होंगी समझने के लिए। और ओशो ने ये बातें बोली है एक जगह पे, उनका एक सुना था, उनका एक प्रवचन, उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने कितनी परसेंट झूठ बोला है, तो उन्होंने बोला मैं परसेंटेज में कोई काम करता ही नहीं, मैंने 100% झूठ बोला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने झूठ बोला है, उनका मतलब यही है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो इतनी अंदर की बातें हैं कि वो बाहर निकलते ही पूरा सच हो ही नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं झूठ हो जाती है। तो इस तरह से ऐसे लकीर के फकीर मत बनिए, चीजों को अनुभव कीजिए, उसके बाद मानिए या नहीं मानिए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन अपने अनुभव के बाद क्रिटिसाइज कीजिए। किताबों के आधार पे क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि मैं किताबों के आधार पे नहीं बोलती, मैं जो भी बोलती हूँ बहुत दिन खटी हूँ, लगी हूँ, आगे पीछे किया है, तो जो समझ में आता है, जो अनुभव हुआ है, उसके बाद मैं बोलती हूँ कोई भी चीज। क्रिटिसिज्म कीजिए, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कि मुझे आलोचना करनी है इस लड़की की इसलिए मैं कर दूं। अगर मेरी बात कोई गलत लगे, आपका अनुभव मेरे अनुभव से अलग हो सकता है, आप बता सकते हैं। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप नापिए, तोलिए, अनुभव कीजिए। धन्यवाद।